नमस्कार, मैं सियाजी और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल द कारपेंटर्स क्लब। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं जो ये इस तरह का जो पूरा कवर्ड सोफा होता है उसका ढांचा किस तरह से बनाया जाता है, उसमें क्या क्या दिक्कत होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, और एल कॉर्नर जब बनाते हैं तो उसमें है वो कौन सी दिक्कत आती है, वहां पर क्या चीज देखनी पड़ती है, ये सब चीजें हम बातें करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले मैं आप सभी जो मेरे व्यूअर हैं उनको बहुत ही दिल से धन्यवाद और उनका आभार व्यक्त करता हूं जिनकी बदौलत आज हमारा चैनल है वो मोनेटाइज हो पाया और आप लोगों का इतना अच्छा साथ मिला जिसकी वजह से चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। तो आप लोगों का एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। तो चलिए अभी बात करते हैं सोफे के बारे में और मैं आपको पूरा एक एक चीज बताता हूं। अब ये वीडियो जिन लोगों को सोफा का ढांचा बनाना आता है उनके लिए नहीं है, क्योंकि सोफा का ढांचा अगर एक बार बनाना आ गया ना तो फिर बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी है। लेकिन जब तक नहीं बनाया होता ना तब तक, क्योंकि कवर्ड होने के बाद में कुछ दिखता नहीं है, देख नहीं सकते, तो वो पहले ही पता होना चाहिए कि इसमें किस तरह से कपड़ा वगैरह में गद्दी में कहां पे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वो चीज एक बार दिमाग में बैठ गई तो बहुत ही सिंपल है। तो चलिए ड्राइंग बुक पे बिना देरी किए और मैं आपको बताता हूं एक एक चीज उसके बारे में। तो चलिए अब चलते हैं, देखते हैं सोफा जो आप ये ड्रॉइंग देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले देखिए सोफे की सीट है, वो अगर 3 सीट का सोफा बनाना है तो उसके हिसाब से देखिए सोफे की आप जितना लंबा बना सकते हैं उसमें जगह के हिसाब से बनाना पड़ता है। लेकिन कम से कम सोफे की जो सीट है वो 21 इंच से छोटी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आदमी उसमें ठीक से कंफर्टेबल है वो नहीं रहता है, बैठ नहीं सकता आराम से। 21 इंच से लेके 30 इंच तक यानी 2.5 फीट तक आप उसकी एक सीट की लंबाई ले सकते हैं। ये वाला तो सीट का माप हो गया। जो सोफे में सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है, सबसे ये वाला जो एल बनता है ना, ये वाला है वो बनाना आना चाहिए। ये एक इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। तो इसका मैं बता देता हूं कि सामने का हिस्सा आप 5 इंच से लेकर 10 इंच तक ले सकते हैं, जितना मर्जी, जितना आपको आगे का हिस्सा दिखाना है उसके हिसाब से आपको। लेकिन अगर आप 5 इंच ये वाला हिस्सा लेते हैं तो यहां से यहां तक इसको है वो 1 इंच स्लोप करके आपको 4 इंच करना पड़ेगा। यहां 5 इंच तो यहां पे 4 इंच, यानी पीछे की तरफ ढलान होनी चाहिए 1 इंच की, ताकि आदमी पीछे की तरफ बैठे तो बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठे। ये एक इसमें ध्यान रखने का। फिर यहां से लेके यहां तक देखिए, ये जो लाइन आपको दिख रही है ना, यहां से लेके यहां तक 4 इंच, 4 इंच है वो, ये जगह आपको खाली छोड़नी है बिल्कुल, ताकि ऊपर का कपड़ा और ये साइड का कपड़ा जाके पीछे उसमें फिटिंग कर सके। जो लाइनिंग का काम करेगा, गद्दी कपड़ा का जो काम करेगा, उसको फिटिंग के लिए ये वाली जगह खाली चाहिए, क्योंकि इस पे 4 इंच की गद्दी आएगी प्लस 1 इंच की और आएगी, तो वो 5 इंच की गद्दी आती है या 4 इंच की भी आएगी तो भी, 4 इंच तक भी अगर लगाएगा तो भी उसको 4 इंच जगह चाहिए। 4 इंच जगह छोड़ सकते हैं वो, 4 इंच से 2 डोरा, आधा इंच ही कम ज्यादा होगा तो सोफे में फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन एवरेज उसको 4 इंच जगह आपको छोड़नी है। ये वाला यहां तक आपको बिल्कुल सीधा रखना है यहां तक, क्योंकि अगर यहीं से आप सीधा बेंड कर देंगे ना तो फिर ये यहां तक गद्दी आएगी तो ये वाला हिस्सा वो फिर अलग दिखेगा, वो बराबर आपका दिखेगा नहीं। यहां गद्दी आएगी तब वो यहां से फिर ऊपर जो स्लोप है वो आपका सही दिखेगा और आपका सही काम हो पाएगा, क्योंकि ये गलती है वो कुछ लोग करते हैं। अब दूसरी एक सपोर्ट आपको देखिए, यहां से पूरी यहां तक देखिए, ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला हिस्सा, ये पूरी सपोर्ट आपको यहां पे देनी है। फिर यहां से स्लोप आपको लेना है ऊपर का हिस्सा। यहां पे अगर आपका 4 इंच लेते हैं या 5 इंच लेते हैं, अगर 4 इंच लेते हैं तो काफी है, 2 इंच का इसमें स्लोप दे दीजिए, 5 इंच का है तो 3 इंच का स्लोप, 2.5 इंच का स्लोप दे दीजिए, ऊपर थोड़ा ज्यादा बच जाएगा, आधा इंच प्लस माइनस सोफे में चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपकी डिजाइन है उसके हिसाब से इसको आप कर सकते हैं। ऊपर से गोल करना है तो वो सोफे वाला गद्दी में करता है, अपने को लकड़ी में गोल करना नहीं पड़ता है। अगर हैंडल गोल है तो उसका करना पड़ता है, वो अलग बात है, उसका ढांचा उस हिसाब से बनाना पड़ता है। ये वाला हो गया, तो ये समझिए इसमें है वो, आप 2 इंच से 2.5 इंच का ये स्लोप इसमें आपको देना है। फिर ये वाली सपोर्ट हो गई। फिर नीचे जो पाया लगाना है, पाया के हिसाब से देखिए, ये वाला एल टाइप का सपोर्ट यहां पे आपको लगाना पड़ेगा। एल टाइप का इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि ये कपड़ा है वो इधर आके लगेगा, ये वाला कपड़ा इस पे लगेगा। अगर खाली एक सपोर्ट देंगे ना तो उस पे दोनों साइड का कपड़ा नहीं लग सकता है, इसलिए आपको यहां पे एल देना है। एक तो उससे मजबूती मिल जाएगी और नीचे का कपड़ा भी इस पे आ जाएगा, आपका जो ये नीचे पाया लगाएंगे लेग है वो भी उस पे लग जाएंगे, और पीछे का कपड़ा वो जाके ये पीछे वाला एल है इसका और इसका दोनों का, क्योंकि इस पे बाद में जब अंदर का जो
कपड़ा लग के पीछे का जो कपड़ा है उसको बंद करते हैं ना, उसके लिए उसको बंद करने के लिए ये वाला एल टाइप का जरूरी होना चाहिए, क्योंकि नीचे का अगर सिंगल धार होगा ना तो सिंगल धार पे दोनों का, इधर वाले का और इधर वाले का, वो बराबर हो नहीं पाता और मजबूती भी बराबर नहीं आ पाती है। अब हैंडल है, हैंडल आप देख लीजिए, हैंडल आपको जितना 4 इंच से लेके 3 इंच से भी आप बना सकते हैं, 4 इंच से लेके 12 इंच तक का हैंडल अक्सर इस तरह का बनता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे उसमें जो बोल्ट लगते हैं, बोल्ट के सामने, बिल्कुल बोल्ट के सामने जहाँ पे बोल्ट लगाने, जैसे 2 यहाँ पे लगेंगे और 1 यहाँ पे, 3 बोल्ट लगते हैं, तो उसके जब सामने है वो मोटा होल 1.5 इंच 1.25 इंच का होल सामने गिरा दीजिए, क्योंकि ये तो बंद हो जाएगा, या फिर नीचे से आप खुला रखें तो वो एक अलग बात है, नहीं तो यहाँ पे सामने से पूरा चारों तरफ से बंद करें, सामने होल गिरा दीजिए जहाँ पे बोल्ट लगाना है, तो उसके अंदर से आप बोल्ट लगा सकते हैं, वो गाड़ी में कवर हो जाएगा, फिर दिखने वाला नहीं है। इसका ये हो गया। फिर एक होता है इसका, अगर एल अपने को बनाना है, अगर एल यहाँ पे बनाना है, इसका मैं बताऊं, अगर मान लीजिए इसका अपने को एल अगर बनाना पड़ जाए तो क्या करेंगे, एल बनाने के लिए ऐसा एक सपोर्ट तो यहाँ पे लगेगा, और एल अगर आपका बन रहा है तो ये जो आप स्लोप यहाँ पे दे रहे हैं ना, ये वाला स्लोप उसमें आपको नहीं देना है। अगर एल बन रहा है तो फिर 1-2-3 इंच में स्लोप देना, लास्ट वाला में स्लोप नहीं देना 1 इंच का, वो सीधा ही आपको यहां पे 5 है तो यहां पे भी 5 है, नहीं तो इधर वाला जब आके उसके साथ में मैच करेंगे ना तो दोनों का मैच नहीं हो पाएगा। इसलिए ये गलती बहुत लोग कर जाते हैं, तो ये वाला 1 है इसमें वो स्लोप नहीं देना होता 1 इंच का, तो वो यहां से प्लाई थोड़ा थोड़ा बैंड हो जाएगी और उसमें गद्दी भी उस तरह से बैंड होकर आ जाती है, वो पता भी नहीं चलता है और बरोबर एग्जैक्ट उसका मैचिंग भी हो जाता है। इसलिए अगर एल बनाना है तो ठीक इसी तरह से 1 ये बन जाएगी एल में, फिर दूसरा है वो एल में दूसरा जो उसका कोना बनेगा उस पर भी इस तरह से ही इसका 1 लगेगा, और फिर सेम यही प्रोसेस है, उससे वो आगे का बन जाएगा। तो एल में आपको 1 ये वाला बन है ऐसा ही सेम इधर लगेगा, और फिर 1 कोने पे आपको लगाना पड़ेगा, तो कोने पे है वो दोनों, ये कोने वाला 1 ऐसे हो जाएगा और 1 ऐसे, ये दोनों ऐसे जुड़ के कोने पे आपको लग जाएंगे, जैसे ये वाला है ना, तो ये वाले को अगर हम ऐसे घुमा देना तो 1 ऐसे घूम के लग जाएगा और 1 इधर लग जाएगा, तो वो दोनों साइड में फिर आके यहाँ पे ऐसे बंद हो जाते हैं अपने आप ही, और ये कोना बन जाता है, और उसमें भी स्लोप है, वो ये वाला स्लोप इसमें देने की गलती बिल्कुल भी ना करें अगर कॉर्नर आपका बनता है एल में। तो बाकी आप समझ ही गए होंगे, सोफे में खाली यही है, एक तो इसका गद्दी का जगह बरोबर छूटना चाहिए, नीचे का वो पाया के लिए ये वाला सपोर्ट होना चाहिए, आगे के पाया के लिए एक सपोर्ट, जो ये लाइन देख रहे हैं ये वाली सपोर्ट है वो आगे का पाया के लिए हो गई, खड़ा इसमें अपने आप एल बन ही जाता है, वैसे ही वो पीछे भी बन जाता है। और आपको चाहिए तो ये साइड में भी एक पट्टा आप लगाएं ना लगाएं वो आपकी इच्छा है, लगा चाहे तो लगाएं ना चाहे तो वैसे ही पट्टा आप लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, उसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें, आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिख के भेजें, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर किया करें। आज के लिए इतना ही, आगे लेकर के आऊँगा और किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, जय हिंद।